बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को स्टार्ट करने लगे हैं। मेरा बहुत दिल था कि मैं इस पे वीडियो लेक्चर बनाता ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती, लेकिन आज मैं कुछ फ्री नहीं हो सका, तो बजाय इसके कि आज हम अपना एक दिन ज़ाया करें, तो मैं इसी पे ही लेक्चर बना रहा हूँ सेल पे, ताकि आप लोगों का गैप ना आए। ये जो आपका पहला लेक्चर है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली उनके लिए जिनका पहले वास्ता अकाउंटिंग से नहीं पढ़ा। मेन जिसने बीसीएस वगैरह की है, बीएससी वगैरह की है, जिसने मैथ स्टैट या कॉमर्स का कोई एक सिंगल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, उनका इसको गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। और हम इस लेक्चर में अकाउंटिंग के जो मेन कंसेप्ट हैं उनको बिल्ड करने के लिए एक ग्राउंड बनाएंगे। अकाउंटिंग का जो ही लोग नाम सुनते हैं तो एक खौफ ततारी हो जाता है, बेशक किसी ने बहुत ज़्यादा इसमें मास्टर लेवल तक भी अकाउंट्स को पढ़ा है तो भी थोड़ा सा डर जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कहाँ पर जाके हम फंस सकते हैं। तो इनफैक्ट इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, जो इस सिलेबस में आपका हिस्सा शामिल है उसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा डेप्थ में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यह है कि आपके बेसिक कंसेप्ट होना ज़रूरी है। वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं? बिल्ड योर बेसिक कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। तो मकसद ये है इस लेक्चर में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो रट्टा लगाने की तरफ ना जाए, बल्कि जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ उनको सीक्वेंस वाइज अपनी लाइफ में, हर एक के अपने कंसेप्ट होते हैं, अपनी लाइफ होती है, तो आप बेसिक कंसेप्ट से उसको सारी चीज़ों का कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करें। इंतहाई सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा और आपने बिल्कुल उनमें सिंपल ही रहना है, इतना ज़्यादा एडवांस में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि हम अकाउंटिंग सीखते क्यों हैं। आप यही समझें कि आपके घर में भी अकाउंटिंग की एप्लीकेशन होती है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते प्रोफेशनली, इसलिए हमने कभी इसको बादर ही नहीं किया कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आपके घर में जो भी आपको हेड कर रहा होता है, घर में आपके वालिद साहब, आपकी वालदा या कोई बड़ा भाई, तो इनफैक्ट वो भी अकाउंटिंग के असूलों को मद्देनज़र रख के चल रहा होता है। अकाउंटिंग की ज़रूरत कब पड़ती है कि जब आपके पास ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। जो बंदा लिख के अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि आपके रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं और आपके एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहे हैं, तो इसको ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। जो हम काउंटिंग करते हैं दिन में, प्लस माइनस जो कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं, वही अकाउंटिंग होती है। इनफैक्ट जब हम उसको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते हैं, प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं, तो उसको हमने एक मॉडर्न नाम दे लिया है और वो वही चीज़ बनती है जैसे हम खौफ खाते हैं, अकाउंटिंग। अच्छा, एक आप माइंड में ये चीज़ बिठाएं कि डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है, लेकिन इस पे मैं आपको पहले भी लेके नहीं जाता। आप ज़रा माइंड में थोड़ा सा ये रखें, लेट्स सपोज एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो नॉर्मल सुपर स्टोर वगैरह रन कर रहा है, तो वो कैसे अपनी चीज़ें काउंट करता है? तो एक अच्छा जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा कि जितने जितने उसके, जब कोई चीज़ स्टार्ट करता है लेट्स सपोज, तो वो जितने जितने खर्चे करेगा वो उनको नोट डाउन करता जाएगा कि इतने मेरे खर्चे हो गए, आज मैंने इतनी चीज़ों का इतना सामान ख़रीदा और आज इतना बेचा, तो एंड पे कितनी चीज़ें पड़ी हैं और कितनी चीज़ें मैंने सेल कर दी और एंड पे मुझे बचा क्या। तो ये अकाउंटिंग है। इसमें थोड़ी सी ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी निकल जाती हैं, कुछ पड़ी होती हैं, तो आप उनको एग्जैक्टली ठीक ठीक तरीके से काउंट नहीं कर पाते, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, चीज़ें पड़ी हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग होती है, जो हम कर रहे होते हैं, इसमें हमने
यही देख रहे होते हैं कि हमारी जो बिज़नेस चल रहा है, छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, जो भी है, उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यही अकाउंटिंग का पर्पज़ होता है। अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कोशिश करना है कि इसको ज़रा सिस्टमेटिक तरीके से याद करने की, और मैं ये माइंड में लेके चल रहा हूँ कि जो मेरा जो आप लोग सुनने वाले हैं उनको अकाउंटिंग के इतने कंसेप्ट नहीं है। अगर किसी के ऑलरेडी अच्छे कंसेप्ट हैं तो वो थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन मैं मैक्सिमम जो होते हैं लिसनर उनका यही प्रॉब्लम होता है कंसेप्ट का, तो मैं उनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करूँगा जिनके कंसेप्ट वीक होते हैं। ये डेफिनेशन है और अकाउंटिंग सारी की सारी इसी में है। हमने अगर डेफिनेशन सही तरीके से समझ ली, इट्स मीन कि हमने आधी अकाउंटिंग पढ़ ली। इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यहाँ तक आप समझने की कोशिश करें कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वही होता है जिसमें प्रॉपर कोई चीज़ चल रही होती है। लेट सपोज आप एक जो एक फ़ैन बनाएंगे, तो फ़ैन बनाएंगे और उसको चलाएंगे, तो ये क्या तरीका है उसका। लेट सपोज आपने फ़ैन बनाया है, आप उसको थोड़ा सा अगर सिंपल रखें, फ़ैन है और पेडिस्टल फ़ैन है, आपने उसकी क्या है वायर उठा के उसको कनेक्ट करना है, जो उसका कनेक्शन है बिजली के साथ, और आपने स्विच ऑन करना और वो पंखा चलना शुरू होगा और हवा देना शुरू हो जाएगा जब उसकी एक स्पीड एक ख़ास लिमिट आएगी। और अगर आप उसके बैक से जो रेगुलेटर वगैरह है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आप उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड कम होगी, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जब रेगुलेटर को आप ऑपरेट करेंगे। तो अब ये जो एक हमने काम किया है ये भी एक सिस्टमेटिक है। जब तक आप उसकी उस वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे बिजली के साथ, ये सिस्टम का एक हिस्सा नहीं होगा, आपने इनिशिएट नहीं किया। आप कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके मतलब अवेलेबल है तो वो पंखा ऑन होगा, अगर वो उसके सही अंदर से फंक्शनिंग करेगा तो उसके जो वो चलना शुरू होगा और हवा देना शुरू होगा। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसका, पंखे का आपको जो चला के उससे हवा लेना, यानी कि एक स्टेप भी आप मिस करेंगे तो उसमें से वो आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव आपका पूरा नहीं होगा। तो सेम इस तरीके से जो अकाउंटिंग का जो एक होता है, मतलब आपने जो चीज़ रिकॉर्ड करके अल्टीमेटली जो आप देखते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी एक पूरा प्रोसेस है। और प्रोसेस वो होता है जो रिपीट हो रहा होता है, मतलब एक दफ़ा वंस नहीं होता बल्कि रिपीट हो रहा होता है, सिस्टम उसी को कहते हैं। इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस क्यों है, क्यों एक चीज़ एक दफ़ा होती है दोबारा फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। लेट्स सपोज एक साल की आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं तो दूसरे साल की ऑटोमेटिकली आपको करनी पड़ेगी। अगर एक दिन का आप हिसाब किताब बनाते हैं तो अगले दिन के लिए भी आपको हिसाब किताब लगाने के लिए पूरा वो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है क्या, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई सबसे पहले करना होता है, आइडेंटिफाई किस चीज़ का, कि आपने क्या किया और क्यों किया। अब सेम इस तरीके से लेट सपोज वो शॉपकीपर है, सुबह उसके पास पहला कस्टमर आता है और 5 kg शुगर लेके चला जाता है। अब देखें जो उसके पास चीनी उसने बेची और पैसे लिए, लेट सपोज 100 rupees पर kg थी और उसने 500 की शुगर बेच दी, तो अब क्या करेगा, उसके पास क्या आया है, उसके पास पैसे आए और चीनी उसने दी, यानी कि उसकी शॉप से चीनी कम हो गई और उसके पॉकेट में या उसके जो होता है जहाँ पे पैसे वगैरह रखता है तो उसमें 500 rupees ऐड हो गए। अब एक चीज़ कम हुई है, एक चीज़ ज़्यादा हुई है, इसको बिज़नेस टर्म में डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल एंट्री ये होती है, अगर फ़र्ज़ किया वो सिर्फ ये लिखे कि मैंने मेरे पास 40 kg चीनी थी जिसमें से 5 kg मैंने सेल कर दी, अब सेल उधार पे की है, पैसों पे की है, या उसके बदले में कुछ और उसने कोई एडजस्टमेंट की है बार्टर सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें, तो वो सिंगल अगर वो शुगर का लिखेगा तो उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहेंगे। अगर उसका शुगर देना और पैसे लेना ये हम दोनों कंसीडर करें तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, और इसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमने एक ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कस्टमर आया उसको चीनी दी और पैसे ले लिए, एक ट्रांजैक्शन है, कोई चीज़ वाकई हुई है। तो
इस चीज़ को पहचानना कि शुगर देने से ये शुगर की पोजीशन क्या है, एसेट है, इन्वेंट्री है, क्या है मेरे पास, रॉ मटेरियल है, क्या चीज़ है, और जो पैसे आए हैं वो क्या चीज़ है। पैसे के बदले में अगर वो फर्ज किया हो सकता है 500 के शेयर दी पाँच ले ले, तो वो क्या चीज़ ले रहा है, क्या चीज़ दे रहा है, उसको आइडेंटिफाई करे। फिर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। पहचान लेने के बाद उसको क्या है, अपनी बुक पे लिखेगा कि मैंने ये काम किया, यानी कि चीनी दी, पैसे लिए। उसके बाद क्या करेगा, मेजर करेगा कि चीनी कितनी थी, कितनी बेची, और पैसे अब मेरे पास कितने हैं, कहाँ कहाँ से आए, उसको मेजर करेगा। फिर उसको क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई का मतलब है कि पैसे कितने आए, किसी कोई चीज़ बेच के उसने उसके बदले में कोई स्टॉक वगैरह कोई किसी से शेयर तो नहीं ले लिए, या किसी से कोई और कोई बार्टर सिस्टम में आके कोई एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली। लेट्स सपोज उसको गंदम की ज़रूरत थी और किसी कोई कस्टमर उसके पास आया, उसने कहा कि मुझे चीनी चाहिए, उसने कहा मुझे गंदम चाहिए, चलें ठीक है आप 20 kg चीनी ले जाएँ और 40 kg मुझे दे दें गंदम। तो इस तरह का है, तो उसको क्लासिफाई करेगा कि क्या किस की कैटेगरी थी। फिर क्या वेरीफाई करेगा कि जब उसका एंड होता है, क्लोज़ करता है अपनी चीज़ें, उन सब को देखेगा कि वेरीफाई करेगा जो जो मैंने एंट्रियाँ की थी सारी ठीक ही थी, कोई मिसिंग तो नहीं है। जब सारा कुछ उसको कंफर्म हो जाए कि मैंने सारी की सारी एंट्री कर ली थी, जितना दिन में जितनी ट्रांजैक्शन हुई, जितने मेरे पास कस्टमर आए, जितने मेरे पास पैसे आए, या जितने मेरे पास बाकी कोई चीज़ आई, उसको वेरीफाई कर लेगा, तो फिर उसकी समरी बनाएगा। मतलब हमने, हमारे पास पैसे कितने आए, मैंने कितनी की चीज़ें उठा के दी, उनकी कॉस्ट क्या बनी थी, ये उसको समराइज़ करना हम कहेंगे। फिर उनको इंटरप्रेट करेगा कि हम प्रॉफिट पे पहुँचे या लॉस पे पहुँचे, ये उसको इंटरप्रेट करता है। कि अगर वो उससे कोई शाम को घर वाला पूछे या कोई भी उससे पूछे कि आज के दिन में आपने क्या किया, तो वो उसको इंटरप्रेट कर सके कि मैंने सारा दिन में जितनी सेल की, परचेज की, एंड पे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और वो बताएगा ये फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसको बताएगा, घर वालों को बताएगा या अपने दोस्त को बताएगा, अपनी बीवी को बताएगा, किसी को भी बताएगा कि मेरे आज के दिन में इतनी मुझे हुई, या अपना जो सप्लायर उसका है उसको बताएगा कि मुझे इतना प्रॉफिट उसमें से हुआ। इट रिवील्स, ये सारा जो प्रोसेस था ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। मैंने जैसे आपको प्रोसेस बताया, इसमें से कोई चीज़ भी आप मिसिंग करेंगे तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब आप कोई काम करते हैं एक शॉपकीपर वाली हिसाब से, कि कस्टमर उसके पास आ रहा है, जो चीज़ लेके गया, आइडेंटिफाई किया, उसको उसने अपनी कॉपी में रिकॉर्ड किया, फिर उसने एंड पे उसको मेजर किया कि ये चीज़ें हुई, फिर उन सबको क्लासीफाई किया, फिर वेरीफाई भी किया कि ये ठीक किया था या गलत किया था, फिर समरी बनाएगा कि मैंने कितनी चीज़ें बेची, कितनी चीज़ें, कितने पैसे मेरे पास आए, फिर इंटरप्रेट करेगा अपने हिसाब से और कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया या मुझे कुछ लॉस हुआ, और फिर कम्युनिकेट करेगा जो उसका स्टेक होल्डर है, फर्ज किया उस पर डिपेंड करने वाले बच्चे हैं, डिपेंड करने वाला अगर कोई लड़का है तो उसके वालदैन डिपेंड करने वाले हैं, तो उनको बताएगा, ये कम्युनिकेट करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन जो फिर उसने सारे दिन में किया। ये सारी डेफिनेशन थी, कोई मुश्किल नहीं इसमें। इट रिवील्ड, अब अगली बात शुरू हो रही, इट रिवील्ड प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड एंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ फर्म्स एसेट्स लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पे थोड़ी सी जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं थोड़ा सा उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी इससे क्या होगा, इट रिवील्स प्रॉफिट और लॉस फॉर ए गिवन पीरियड। पीरियड एक दिन का कहें या एक महीने की बात करें, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी एक ट्रांजैक्शन से, एक दिन की भी वो समरी बना सकता है, एक महीने की भी बना सकता है, एक साल की भी बना सकता है। इससे क्या पता चलेगा कि उस पीरियड में जो एक दिन का था, एक महीने का था या एक साल का था, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ फर्म्स एसेट्स, यानी कि जो उसकी शॉप थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके एसेट्स वो चीज़ें हैं जो उसके दुकान के अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है, चीनी है और भी जो भी सारी चीज़ें हैं, ए टू डी जितनी आती हैं उसकी एसेट्स होंगी। अब फर्ज किया उसने कुछ चीज़ें रखी हुई थी दुकान में लेके, लेकिन होल सेलर से उसने लायबिलिटी मतलब उन अकाउंट यानी कि उधार पे चीज़ें ली हुई थी, तो उसके बदले में अभी तक उसने फंस गया वो जो चीनी उसने बेची थी, हो सकता है कि उसने वो जो चीनी है उठा के उधार लेके रखी हो। अगर वो उधार फंस किया 1500 की वो एक बोरी लेके आया था, और जब एक दिन में सेल कर लेता है सारी और उसको पता चलता है कि मैंने 2000 की बेची है, तो 1500 जहाँ से उसने लिए थे उनको वापस कर देगा, लायबिलिटी क्लियर हो जाएगी, और 500 जो उसको गैप बचेगा, यानी कि 2000 की अगर सेल की थी 1500 की उठा के ले आया था, तो 500 उसका क्या प्रॉफिट है। एंड ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर्स इक्विटी का मतलब ये है कि अगर उसने घर में से कुछ चीज़ें उठा के अपनी शॉप में रखी हैं तो वो ऑनर्स की इक्विटी हो जाएंगी। तो इट्स मीन आपने क्या अब तक सीखा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हम ये जिसमें करते हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कौन सा इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग
एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। और इससे क्या पता चलता, इट रिवील्स प्रॉफिट और लॉस फॉर ए गिवन पीरियड एंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ फर्म्स एसेट लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। यानी कि ये हमें जो हमने डेफिनेशन में सारा कुछ पढ़ा, ये इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके एसेट की क्या पोजीशन है, उसकी लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है, और ऑनर्स इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जिसका बिजनेस है जो उसने अपने पॉकेट में से उठा कर डाला उसकी क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ हमें अकाउंटिंग बताती है। और सारी की सारी अकाउंटिंग हमने इस डेफिनेशन में जो पढ़ी है, इसको फर्दर हम एक्सपेंड करते जाते हैं कि इस हिस्से में जो आइडेंटिफाइंग का प्रोसेस है उसमें जनरल हम सीखते हैं, फिर उसके लेजर बनाना, फिर उसके ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारा कुछ करते हैं, और रिकॉर्ड करना, ये आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और मेजर करना, ये सारे इसमें आ जाते हैं, क्लासीफाई करना, वेरीफाई करना सब। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एंड पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें पता चल चुका होता है कि हमने अकाउंटिंग पे कंप्लीट अमल कैसे किया। और ये बिजनेस टू बिजनेस और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से हम वेरी कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका अलग से कर रहे होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है उससे अलग से वर्किंग कर रहे होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसको अलग से हम ट्रीट कर रहे होते हैं, लीजिंग है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है, ये सारा कुछ इसका ही हिस्सा होता है और हम अकाउंटिंग ही कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने डिटरमिन करना होता है कि किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एसेट की क्या पोजीशन है, लायबिलिटी की क्या पोजीशन है और ऑनर्स इक्विटी की क्या पोजीशन है। अकाउंटिंग में इससे ज़्यादा कुछ और हम नहीं करते। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाती है तो इट्स मीन आगे हम जो चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ इंशाल्लाह आती जाएगी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, अब देखें जी ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग जो है डिफ़िकल्ट होती क्यों है, हम इतना मतलब इतना मुश्किल में हम क्यों जाते हैं। अगर इतना ही सिर्फ है लेफ्ट साइड पे आप रेवेन्यू लिख दो, राइट साइड पे एक्सपेंडिचर लिख दो, तो इतना मुश्किल क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस की फॉर्म्स क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग अप्लाई होती है। लेट्स सपोज एक शॉपकीपर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, वो शॉपकीपर का मालिक कौन होता है, एक बंदा होता है, और जो बिज़नेस एक अकेले बंदे ने अपना मेंटेन किया वो कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, एक जो भी है, जो भी उसका बिज़नेस है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। सोल का मतलब, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक ही मालिक, मतलब कुल इनान मालिक, यानी कि सोल एक, वन एंड ओनली प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक का ही बिज़नेस, तो हम उसको सिंगल बंदे के साथ कहते हैं। एक बंदा कहता है यार मेरा क्या पता मेरी औलाद कोई हो या ना हो, तो वो मेरा बिज़नेस संभाले या ना संभाले, तो मुझे कोई ना कोई अपना साथी रखना चाहिए। लेट्स सपोज मुझे कोई बीमारी लग जाती है, एक दिन बीमार हो जाता हूँ, तबीयत डाउन हो जाती है, तो मैं अगर जिस बिज़नेस को जो मैंने सेटअप किया हुआ है उस पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ तो वो तो नहीं रन कर पाएगा, तो मुझे कम अज़ कम ऐसा बिज़नेस रन करना चाहिए जो अगर मुझे कुछ थोड़ा सा होता है, मैं कहीं बिज़ी होता हूँ, आगे पीछे जाता भी हूँ, तो बिज़नेस मेरा रन करता रहे, मेरे घर में चूल्हा जलता रहे। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, दो तीन दोस्त या दो तीन रिश्तेदार मिलके कुछ बिज़नेस को एक्सपेंड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एक बंदा छुट्टी चला जाता है, दूसरा टेक ओवर कर लेता है। जब इस तरह का भी मामला हो, बिज़नेस चल पड़ता है, वो कहते हैं जी ये भी काम कम है, मतलब हम हो सकता है बिज़नेस फ्लॉप हो जाए तो हमारे जितनी जमा पूंजी है जिस जिससे हमने उधार लिया वो तो हमारी चीज़ें उठा के चला जाएगा, तो हम क्यों ना कुछ बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो फिर वो कंपनी बनाने की तरफ चले जाते हैं जिसको कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस होती हैं जिनको इनको हम आगे डिटेल में आगे पढ़ते भी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, फॉर्म होती है जिसको हम पार्टनरशिप भी कहते हैं, और इसके बाद कॉरपोरेशन होती है। इनके आगे फर्दर भी काफ़ी सारी किस्में हैं, हो सकता है कि जब हम सिलेबस कवर कर लें तो मैं इनको डिटेल में भी थोड़ा समझा दूँ आपको, लेकिन एट दी हैंड मेरा ये इरादा है कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो बहुत लाजमी है और जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको कम्युनिकेट करूँ। तो ये तीन फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस हैं, इनमें से कुछ जो सोल प्रोप्राइटर के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान आते हैं, कुछ इसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म होती है उनके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कॉरपोरेशन जो होती हैं बड़ी कंपनी होती हैं उनके भी कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो सबके बैक पे कुछ होता है। और अल्टीमेटली जब हम इनकी राइटिंग में अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी बिज़नेस चल रहा है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है या कॉरपोरेशन है, उनका जब बिज़नेस चल रहा है तो उन्होंने अपना सिर्फ डिटरमिन करने के लिए प्रॉफिट में गए या लॉस में गए, तो उन्होंने 6 महीने या साल, 2 साल, जितना भी उसने अकाउंटिंग पीरियड उन्होंने रखना है बिज़नेस के लिए, नॉर्मली 1 साल का बिज़नेस अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है उनका, तो उन्होंने डिटरमिन करना होता है कि हमने कितना कमाया, कितना नुकसान किया और कितना हमें टैक्स पे करना है, कितना हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे का सारा हमने सोल प्रोप्राइटर के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अकाउंटिंग अलग से होती है, और कॉरपोरेशन के लिए बिज़नेस नॉर्मली हम जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रहे होते हैं वो होता है।
थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, कंसेप्ट वही हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। नंबर वन, सोल प्रोप्राइटरशिप। इज सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ए बिजनेस ओन्ड बाई ओनली वन पर्सन। इट इज़ ईजी टू सेट अप एंड इज़ द लीस्ट कॉस्टली अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप, यानी कि यह सबसे सस्ती है। दी ऑनर फेस इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर उसको फ़ायदा होता है तो बेशक फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, और अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी सिर्फ दुकान का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि उसकी जो जमा पूंजी घर में पड़ी हो वो भी उसकी लाइबिलिटी के तौर पे करनी पड़ जाए। मीनिंग द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस मे गो आफ्टर द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ऑनर इफ़ द बिजनेस कैन नॉट पे देम। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज़ यूजली अडॉप्टेड बाई स्मॉल बिजनेस एंटिटीज़, यानी कि ये छोटे लेवल पे करते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ईजीएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ऑनरशिप टू ऑर्गेनाइज। सोल प्रोप्राइटर्स आर इन कम्प्लीट कंट्रोल एंड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ मे मेक डिसीजन एज दे सी फिट, यानी कि उनको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो उनका दिल कहता है वो डिसीजन ले लेते हैं, किसी से मशवरा करना उनके पे बाइंडिंग नहीं होता। प्रॉफिट्स फ्राम द बिजनेस फ्लो थ्रू डायरेक्टली टू द ऑनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न। तो ये भी फ़ायदा है कि उसके डायरेक्ट उसका उसकी पॉकेट में जाता है और उसको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता। द बिजनेस इज़ ईजी टू डिसॉल्व इफ़ डिजायर्ड, अगर उसने बिजनेस ख़त्म करना हो तो उसकी किसी की मर्जी लेना या कहीं से परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके। नुकसान क्या हैं इसके? दो डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स अगेंस्ट द बिजनेस, देयर बिजनेस एंड पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क। ये वही मैंने जो आपको पहले बात बताई कि उसके रिस्क पे होता है कि अगर लॉस होता है तो उसके पर्सनल एसेट भी जाने का खतरा होता है। मे बी एट डिसएडवांटेज इन रेजिंग फंड्स एंड आर ऑफन लिमिटेड टू यूजिंग फंड्स फ्रॉम पर्सनल सेविंग और कंज्यूमर लोन, यानी कि उसको जब अगर कुछ और फंड चाहिए हों तो उनको रेज़ करना मुश्किल होता है। लेट्स सपोज एक शॉपकीपर है, उसने दुकान अपनी बनाई है, अच्छी चलना शुरू हो गई, तो अब वो चाहता है कि मैं उसमें उसको मज़ीद एक्सपेंड करूँ उसमें, तो उसको रेवेन्यू उसके पास है नहीं, इतने उसकी अर्निंग नहीं है, तो उसको मसला हो जाएगा। मतलब उसको कोई ऐसे फ़ंड अवेलेबल नहीं होते उसके पास, अगर पॉकेट में हैं तो लगा देगा, नहीं है तो कहीं से अरेंज नहीं कर सकता। मे हैव ए हार्ड टाइम attracting high caliber employees or those that are motivated by the opportunity to own a part of the business, यानी कि दूसरे किसी को शराकत दार अगर रखना चाहता है या employee रखना चाहता है तो उसके लिए problem हो जाएगा कि कैसे करे। Some employee benefits such as owner's medical insurance premium are not directly deductible from business income, यानी कि उसको जो कुछ फ़ायदे नहीं पहुँच सकते क्योंकि जो उस टैक्स वगैरह जमा नहीं करवाता, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उसको डायरेक्ट मेडिकल वगैरह इंश्योरेंस वगैरह उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। कोई ऐसी कंपनी नहीं होती जो सोल प्रोप्राइटरशिप के रिस्क वगैरह ले। आ गया था पार्टनरशिप, जैसे मैंने आपको पहले बताया पार्टनरशिप की नंबर ऑफ तादाद होती है कि पार्टनर्स कितने होते हैं। पाकिस्तान में 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स की तादाद होती है, कम से कम 2 और सब ज़्यादा ज़्यादा 20, 20 से ज़्यादा आप पार्टनरशिप की तादाद नहीं कर सकते। ए पार्टनरशिप इज़ ए बिजनेस ओन्ड बाई 2 or more पर्सन हु कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज इन टू द एंटिटी। द पार्टनर डिवाइड द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस अमंग देमसेल्व। इन जनरल पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन लिमिटेड पार्टनरशिप क्रेडिटर कैन नॉट गो आफ्टर द पर्सनल एसेट्स ऑफ द लिमिटेड पार्टनर्स। बात ये कर रहा है कि पार्टनरशिप भी होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर अपना बिजनेस बनाते हैं, ये हो जाती है पार्टनरशिप। और इसमें जो सोल प्रोप्राइटर के मसले थे इसमें थोड़े से कम हो जाते हैं, यानी कि लोग मिलके अपने पैसे मिला के उससे सोल प्रोप्राइटर की निस्बत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली कह रहा है कि अगर आपने जो पार्टनरशिप डीड होता है, और ये पार्टनरशिप का एक्ट जो है 1932 होता है जो इसको रेगुलेट करता है, पार्टनरशिप डीड अगर वो होता है जिसमें राइटिंग कंडीशन लिखी होती है कि हम क्या क्या कौन कौन बंदे मिलकर बिजनेस बना रहे हैं और हमें प्रॉफिट अगर होता है तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की किस रेशियो से करनी है, ऑफिस कौन चलाएगा, अगर कोई चलाता है कोई ज़्यादा मेहनत करता है उसको सैलरी कैसे मिलेगी, कमीशन किस तरह मिलेगा, तो सारी की टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिखते हैं उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और नॉर्मली जो होते हैं सारे, अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई तो जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी नुकसान होता है तो उनके पर्सनल एसेट जो घर में पड़े हैं वो भी
जो क्रेडिटर्स हैं उन पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिख देते हैं कि एक कम अज़ कम अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो पार्टनर है, बाकी सारे लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी फर्स्ट किया उन्होंने, 10-10 लाख का बिज़नेस स्टार्ट किया, 10-10 लाख शेयर किया और एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अब वो कंडीशन लगाते हैं कि अगर नुकसान होगा तो पार्टनर ए बी सी जो है वो 5 लाख तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी, पार्टनर डी जो है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। तो पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो उसमें कम अज़ कम एक तो अनलिमिटेड लाइबल पार्टनर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं रखी जाती तो जितने भी शराकत वाले पार्टनर्स होते हैं सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। इसके एडवांटेज हैं, पार्टनरशिप्स आर रिलेटिवली इजी टू इस्टेब्लिश, हाउएवर टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि कॉरपोरेशन की नस्बत ये आसानी से बना सकते हैं लेकिन इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ताकि वो एग्रीमेंट वगैरह बनाएं और बिजनेस डिवेल्प करें। विद मोर दैन वन ऑनर द एबिलिटी टू रेज फंड मे बी इंक्रीज, यानी कि इसमें पैसे उनके पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा फंड अवेलेबल होते हैं। The profits from business flow directly through the partner's personal tax return, यानी कि वो उनकी जो personal income है उसमें चले जाते हैं और उनको उनकी personal जो income है उसका हिस्सा बन जाते हैं जो उसके profit आते हैं, तो इसलिए tax का मसला भी इतना नहीं होता। Prospective employees may be attracted to the business if given the incentive to become a partner, तो इसमें साथ में शराकत के लिए दूसरों को मिलाना आसान होता है। The business usually will benefit from पार्टनर्स हु हैव कम्प्लीमेंट्री स्किल, तो उनसे फ़ायदा वही होता है जो, क्योंकि एक बंदे के पास एक ही स्किल होती है, ज़्यादा बंदे होंगे तो उनके पास स्किल भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनकी सलाह मशवरा करके अच्छे डिसीजन लेके अच्छा फ़ायदा अर्न कर सकते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं वो पढ़ते हैं। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर, यानी कि एक अगर पार्टनर को गलत काम करता है तो दूसरों को भी उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड विद अदर, सोल प्रोप्राइटर में ये होता था सारे का सारा प्रॉफिट एक ही बंदे के पास चला जाता है, जबकि पार्टनरशिप में ये ऐसे नहीं होता, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंस डिसीजन आर शेयर्ड डिसएग्रीमेंट्स कैन अकर, तो डिसीजन मिलकर करना होता है इसलिए सबका एक ही साथ एग्रीमेंट जल्दी होना इतना आसान नहीं होता। जिस तरीके से पार्टनर एक अकेला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो अच्छे डिसीजन और जल्दी डिसीजन ले सकता है, और यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे से कंसल्टेशन लाजमी होती है तो टाइम लग सकता है और टाइमली डिसीजन नहीं भी होता। सम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट आर नॉट डिटेक्टेबल फ्राम बिजनेस इनकम ऑन टैक्स रिटर्न, तो कुछ एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं वो डायरेक्टली डिडक्टिबल्स नहीं होते, मतलब उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। दी पार्टनरशिप मे हैव लिमिटेड लाइफ, इट मे एंड अपॉन दी विदड्रॉल और डेथ ऑफ पार्टनर, तो इनकी भी लाइफ जो है कॉरपोरेशन की नस्बत अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर जब नया कोई आएगा तो भी नया पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट साइन होगा, और अगर कोई छोड़ के जाएगा तो भी, अगर कोई फौत हो जाता है तो भी नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, तो इसकी लाइफ उस वक्त ख़त्म हो जाती है, दोबारा रिन्यू होगी उस कंडीशन के हिसाब से जो दोबारा नए पार्टनर्स मिल के डिसाइड करेंगे, तो इसलिए इसकी भी लाइफ एक इंडिविजुअल जो बिज़नेस होता है पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप उसकी नस्बत तो लंबी होती है लेकिन कॉरपोरेशन की नस्बत इतनी लंबी लाइफ नहीं होती है उस बिज़नेस की। कॉरपोरेशन वो होती है जहाँ पे बहुत लेवल, बड़े लेवल पे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और इनके मेंबर्स की तादाद 7 से लेके 50 तक होती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, लेकिन लिमिटेड कंपनीज हैं तो उनके 50 तक की तादाद होती है। कॉरपोरेशन क्या होती है, एक कॉरपोरेशन इज़ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंड पर्सनैलिटी फ्राम इट्स ऑनर्स, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। सेपरेट लीगल एंड पर्सनैलिटी या एंटिटी, इसका मतलब ये है कि बिज़नेस अलग होता है और उसके ऑनर्स की पहचान अलग होती है, बिज़नेस की एक अपनी पहचान होती है, यानी कि जैसे एक इंसान होता है इस तरीके से उसकी पहचान होती है, लेकिन फ़र्क क्या है, उसमें जान नहीं होती बिज़नेस में, लेकिन उसकी पहचान अलग से होती है और उसकी वो सारी एक पहचान होती है, उसका नंबर एक अलग होता है, उसकी स्टैंप अलग होती है, वो अपने उसके अपने प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उसके अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ऐसी बात नहीं होती थी। ऑनरशिप इन ए स्टॉक कॉरपोरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय शेयर ऑफ स्टॉक, तो जो मलकियत है किसी भी कंपनी में वो शेयर्स की
शेयर से शो हो रही होती है, यानी कि किसी कंपनी में अगर जिसके ज़्यादा शेयर्स होंगे उसमें उसकी उतनी ज़्यादा मालकियत होगी। तो कंपनी जो प्रॉफिट सॉरी जो फंड रेज करने होते हैं तो ये शेयर इशू करती है, और जो जितने ख़रीदता जाता है उसमें उसकी मलकियत होती जाती है, और वो जो फ़ंड होते हैं वो बिज़नेस के अपने होते जाते हैं, और वो बिज़नेस की लायबिलिटी होती है, और अल्टीमेटली वो उसी से जो फ्यूचर के प्रॉफिट वगैरह जनरेट करते हैं उसी को मैनेज करते हैं, कंपनी का यही काम होता है। द ऑनर्स स्टॉक होल्डर्स इंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी बट हैव लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनीज ऑपरेशन, यानी कि जो एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी में तो उसका इतना रोल नहीं होता कि वो उसकी मर्ज़ी उस पर चले, क्योंकि उसका जो रिस्क है वो उतना ही है जितने उसने पैसे उस शेयर्स को ख़रीदे और पैसे लगा दिए, उससे ज़्यादा उसका बिज़नेस में कोई भी रोल नहीं है या उसमें कोई नहीं है। जब प्रॉफिट होगा तो उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा, अदरवाइज उसको इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना डिसीजन मेकिंग में उसको पूछा जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एन इलेक्टेड ग्रुप फ्रॉम द स्टॉक होल्डर्स कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब ये कि जो बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सीईओ को सिलेक्ट करते हैं और जो डिसीजन करने होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। तो ये वाइडर लेवल पे थोड़ी सी मैनेजमेंट होती है, इसलिए जो है इसमें जो प्रॉब्लम थे सोलो प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में वो यहाँ पर आके रिड्यूस हो जाते हैं, और इसके अब बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज भी पड़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन, शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द कॉरपोरेशन डेट्स और जजमेंट्स अगेंस्ट द कॉरपोरेशन, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपका ये नहीं है कि कंपनी को लॉस हुआ तो आपके कोई घर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी आपको पे बैक करनी पड़ जाएँ, बल्कि आपने जितना शेयर खरीदने पर पैसा लगाया सबसे ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो वो ही डूबेगा, इससे ज़्यादा कोई आपका लॉस नहीं होगा। जनरली शेयर होल्डर्स कैन ओनली बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ द कंपनी, नोट हाउ एवर दैट ऑफिसर्स कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर देयर एक्शंस सच एज द फेलियर टू विदहोल्ड एंड पे एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस। तो जो शेयर होल्डर है उसके सिर्फ शेयर जितने उसने स्टॉक खरीदे हुए हैं, स्टॉक और शेयर एक ही बात होती है, उसका उतने तक ही इन्वेस्टमेंट जितनी उसने की होती है वो ही रिस्क पे होती है। हाँ, अगर उस कंपनी के जो मैनेजर हैं वो कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो वो लायबल हो सकते हैं। कॉरपोरेशंस कैन रेज एडिशनल फंड्स थ्रू द सेल ऑफ स्टॉक, तो कंपनी के लिए स्टॉक सेल करने के बाद फंड रेज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, अगर फंड ज़्यादा चाहिए तो वो और शेयर इशू कर देते हैं और मार्केट में बेच देते हैं तो उससे फ़ंड आ जाते हैं, और फंड से अगर कोई नया प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करना हो तो आसानी से किया जा सकता है, जबकि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में फंड्स अवेलेबल करना इतना आसान नहीं होता था क्योंकि उनके अपने शेयर नहीं होते। कॉरपोरेशन मे डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स इट प्रोवाइड्स टू ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, तो कॉरपोरेशन में ये होता है कि जितने वो ऑफिसर्स वगैरह को जितने वो बेनिफिट दे रहे थे वो उससे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। कैन इलेक्ट कॉरपोरेशन स्टेटस इफ सर्टन रिक्वायरमेंट्स आर मेट, दिस इलेक्शन इनेबल्स कंपनी टू बी टैक्स्ड सिमिलर टू पार्टनरशिप, यानी कि वो अगर लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उनकी भी थोड़ी सी लायबिलिटी उस तरह की शक्ल बन सकती है जिस तरीके से पार्टनरशिप का ऑपरेशन होता है, तो मतलब ये फ्लेक्सिबल होती है, अगर आप उसको एक्सपेंड करने चाहते हैं एक्सपेंड हो जाती है, अगर आपको उसको थोड़ा सा पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मनी देन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, उसके शेयर होल्डर्स शेयर कैसे होती है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, तो ये सारी की सारी, और AGM वगैरह उसकी कैसे हेल्ड होती है, ये सारे के सारे बड़े लंबे चौड़े इसके होते हैं। कॉरपोरेशन को एक सेटअप करना और उसको रन करना और उसकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट या जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी की सारी मीट करना, तो ये सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। एक बिज़नेस, एक इंडिविजुअल बिज़नेस बनाना है या पार्टनरशिप बनानी तो उसके लिए जबकि थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए ठीक ठाक आपको टाइम लगता है, और प्रमोटर वगैरह की आपको ज़रूरत होती है जो बिज़नेस को प्रमोट करके
आइडिया देते हैं और उसको इस्टेब्लिश करते हैं. कॉरपोरेशंस आर मोनिटर्ड बाई फेडरल स्टेट एंड सम लोकल एजेंसीज एंड एज ए रिजल्ट मे हैव मोर पेपर वर्क टू कम्प्लाई विद रेगुलेशन. तो जो कॉरपोरेशन होती हैं उनको मोनिटर कौन कराता है? फेडरल गवर्नमेंट होती है. जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह सारे कुछ उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रिटर्न वगैरह जमा करवाना वो वाइडर लेवल पे होती हैं, तो इसलिए इनके लंजे ज़्यादा होते हैं. इनकॉर्पोरेटिंग मे रिजल्ट इन हायर ओवरऑल टैक्सेस. तो इसमें टैक्सेस भी ज़्यादा हो जाते हैं. डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर आर नॉट डिडक्टेबल फ्राम बिजनेस इनकम, दस दिस इनकम कैन बी टैक्स ट्वाइस. तो जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो बिजनेस उसको टैक्स पे करती है. जब इंडिविजुअल के पास जाता है तो इंडिविजुअल की इनकम दोबारा रेज हो जाती है और उस पर फिर उसको टैक्स इंडिविजुअल टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो डबल टैक्सेशन हो जाती है. तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है. अच्छा जी, अब हम ज़रा पढ़ने लगे हैं कि अकाउंटिंग की टाइप्स कितनी हैं, कितनी टाइप्स की अकाउंटिंग होती है. एक तो फिनेंशियल अकाउंटिंग है जिसमें हम क्या करते हैं जी, जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और जितनी अर्निंग हैं, जितने एक्सपेंडिचर हैं, उनकी हम एक समरी टाइप बना के हम देखते हैं कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. ये कितना किस में हम कर रहे हैं? फिनेंशियल अकाउंटिंग में. और पढ़ते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट टू बी यूज बाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, लाइक उसका CEO, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, यूनियंस और जितने भी उसके चार दीवारी के अंदर अंदर बिजनेस का काम कर रहे हैं, वो इंटरनल यूज़र होते हैं. और एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जिनके उस कंपनी में स्टेक होते हैं. स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का ये फ़र्क होता है. शेयर होल्डर वो होते हैं जो शेयर कंपनी के ख़रीदते हैं और जिनके पास उसका हिस्सा होता है और मलकियत होती है उनकी, वो होते हैं शेयर होल्डर. स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका मफाद कंपनी के साथ होता है. जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो वो भी स्टेक होल्डर हैं. एक कम्युनिटी है जो कंपनी एक सेटअप है उसका, उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं. वो अगर कचरा वगैरह फेंकती है तो उससे उनको डिस्टर्बेंस होती है, उनकी सेहत पे असर हो सकता है, तो वो भी स्टेक होल्डर हैं. यानी कि उसके अच्छे बुरे काम करने से उनको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है. और जो सप्लायर्स हैं वो भी आउटर होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं. और जो क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, बैंकर्स हैं, जिनसे उस बिज़नेस का लेन देन है, वो सारे के सारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं. आगे आते हैं जी मैनेजेरियल अकाउंटिंग. मैनेजेरियल जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजेरियल फिनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिसमें हम प्रॉफिट वगैरह बताते हैं और हमें पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है लॉस कर रही है, तो उसकी फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जितनी हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं. जबकि कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, क्या चीज़ कैसे डिसीजन लेने होते हैं कि हम क्या चीज़ कहाँ से ख़रीदें, क्या चीज़ बनाएँ, क्या चीज़ बेचें, किस चीज़ कितनी प्राइस पर बेचें और किस क्वालिटी की बेचें, कौन सी मशीनरी ख़रीद के ले आएँ, कितना मशीनरी पे कॉस्ट आएगा, मटेरियल कहाँ से ख़रीदें, किस क्वालिटी का ख़रीदें, कितनी वर्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की सोर्सेज हमें कहाँ से अवेलेबल करने, ये सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी जितनी हो रही होती है मैनेजर्स के लिए, ये कास्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कर रहे होते हैं. और ये एक्सटर्नल यूज़र के लिए नहीं होती बल्कि सिर्फ मैनेजर के लिए बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है. तो ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजर्स के लिए इंटरनल पर्पज़ के लिए होती है. पढ़ लेते हैं ज़रा. मैनेजेरियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़ बाई इंटरनल यूजर्स ऑफ द मैनेजमेंट. दिस ब्रांच डील्स विद द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट रैदर दैन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मैनेजेरियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व फिनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, कास्ट एनालिसिस, इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस डिसीजंस एंड सिमिलर एरियाज. वही मैंने आपको बताया, सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए यूज हो रही होती है मैनेजेरियल अकाउंटिंग. फिनेंशियल अकाउंटिंग पहले हमने पढ़ी, फिर मैनेजेरियल अकाउंटिंग पढ़ी और इसके बाद है कास्ट अकाउंटिंग. कास्ट अकाउंटिंग ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट जो हम देख ले रहे होते हैं, हमने डिटरमिन करना होता है कि किस चीज़ को कितनी प्राइस पे हम बेचें. उस बेचने के लिए देखें, अगर आपकी मटेरियल इतना खर्चा आ रहा है 10 रुपये, लेबर 5 रुपये, FOH 5 रुपये, तो टोटल कास्ट आपको 20 है. कम अज़ कम 20 से ऊपर आपको उसकी सेल प्राइस रखनी चाहिए. कास्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे खर्चे तो इतने हुए, हम इस पे प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं. अगर फ़र्ज़ किया आप 20 रुपीज़ में एक यूनिट कुछ भी बना रहे हैं, तो
तो उसको 18 पे सेल करेंगे तो लास्ट में ऐसी दशा है, तो ये आपकी बिल्कुल रन नहीं करेगा बिजनेस। अच्छे प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ बनाने में कितना खर्चा हुआ, और ये सारे का सारा हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। ऑडिटिंग क्या होती है, ये भी इट्सेल्फ एक अकाउंटिंग की ही टर्म यूज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस ने जितनी भी अकाउंटिंग मेंटेन की हुई है, लेट्स सपोज फिनेंशियल अकाउंटिंग में जितना डाटा था उन्होंने रिकॉर्ड किया, कास्ट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ऑडिटर जो होता है एक एक्सटर्नल अकाउंटेंट ही होता है जिसको प्रोफेशनली अकाउंटिंग का बड़ा नॉलेज होता है, एक्सपर्ट होता है, वो आके आपके रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करता है कि ये जितनी आपने इन्फॉर्मेशन तैयार की, जितनी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट किए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र को दी, आया कि ठीक हैं या नहीं ठीक, वो इसके लिए आपके सारे रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है, चेक करता है, अगर कहीं पे फ्रॉड है या कोई इस तरह की कोई चीज़ स्किप की हुई हैं या कोई गलत एंट्री की हुई हैं तो वो उनको हाईलाइट करता है और आपके रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ज़्यादा पावरफुल करता है और मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। टैक्स अकाउंटिंग है, टैक्स के लिए सिर्फ ये, इसका मकसद ये होता है सिर्फ आपके बिज़नेस को कितना टैक्स पे करना है, या एक सैलरी पर्सन है तो उसकी जो है कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो ये सारी की सारी जो अकाउंटिंग है, 5 heads ऑफ टैक्स है, सैलरी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इस तरह के बाकी जितने भी हैं अदर सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे हेड से आपको कितनी इनकम हुई और कितना आपने अल्टीमेटली टैक्स पे करना है, तो ये सारी की सारी अकाउंटिंग हम टैक्स अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं जी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, के अकाउंटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आपने अप्लाई करना होता है। और नॉर्मली मैं आपको बताऊँ कि हम जब ये सारे प्रिंसिपल पढ़ रहे होते हैं तो हम कॉरपोरेशन का जो बिज़नेस है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं जब उसकी अकाउंटिंग वगैरह है, या कॉरपोरेशन को हमारे माइंड में रख के हम ये चीज़ें देखते हैं कि अकाउंटिंग के ये जो है बेसिक प्रिंसिपल हमने इनको माइंड में रखना होता है। अकाउंटिंग सबसे पहला अकाउंटिंग एंटिटी, जैसे हमने पहले पढ़ा सेपरेट पर्सनैलिटी या लीगल एंटिटी, इज द बिजनेस यूनिट फॉर विच द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी कि ये एक अकाउंटिंग एंटिटी थी जिसके लिए हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। द अकाउंटिंग एंटिटी रिकॉग्नाइजेज दैट देयर इज़ ए बिजनेस एंटिटी दैट इज़ सेपरेट फ्राम इट्स ऑनर, यानी कि जो बिज़नेस होती है ये अपने ऑनर से अलग होती है, और इसका हमने हिसाब किताब लगाना होता है कि ये जो एंटिटी है जिसकी अलग से पहचान है इसकी क्या पोजिशन है। इन एडिशन द इकोनॉमिक यूनिट एंगेजेज इन आइडेंटिफाइएबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंट्रोल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि इसके कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और इसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या इसके एसेट्स की पोजीशन है, वो सारे के सारा हम डिटरमिन करते हैं। और ये एक बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में से, जब हम अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग एक अलग से हो, हम ये नहीं कि उसमें किसी जो उसके माल शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी पर्सनल चीज़ों को भी हम काउंट करना शुरू कर दें कि ये भी इनकी एसेट हैं, ये भी इनके एसेट हैं, ये सबसे पहले आपने अलग फर्क करना है कि जो इसके ऑनर्स होते हैं उनसे ये बिज़नेस एंटिटी अलग है, इसकी अलग से पहचान है। गोइंग कंसर्न, इसका मतलब ये होता है कि आप जब बिज़नेस बनाते हैं, उसको चलाते हैं, उसको काउंट करते हैं, तो आपने इस माइंड से उसको बनाना भी है, लेके चलना भी है कि ये गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये कि ये साला साल चलेगी, इसकी लाइफ 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक 20 साल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बन गई है तो अब चलती रहेगी। पढ़ लेते हैं, अकाउंट्स अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज़ इनडेफिनेटली लॉन्ग and will never dissipate. In some cases, if there is a clear sign that the business may go bankrupt, the accountant must issue a qualified opinion stating the potential of a demise. यानी कि अगर नॉर्मली तो आपने ये ही रखना है कि ये ख़त्म नहीं होने वाली, dissipate है मतलब इसकी never dissipate, never dissolve, ये ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई इस तरह के हालात बन गए हैं, कोई ऐसा लीगल केस बन गया है, या जहाँ पे वो बनी थी उस पे कोई ऐसी पोजीशन में थी कि वो गवर्नमेंट की कोई पोजीशन वगैरह थी, तो इसके फर्क या डिसॉल्व की तरफ जाती है, या कोई ऐसा रिस्क होता है, तो अकाउंटेंट ने अपनी रिपोर्ट में जो उसकी इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनती है एनुअली, उसमें उसको शो करना होता है कि ये
एट रिस्क है फ्यूचर में, ताकि आप लोग इन्वेस्ट ना करें। और अकाउंटिंग की जो हम कर रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसका मेन पर्पज़ भी ये होता है कि आप जो आउटर स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो इस कंपनी की पोजीशन देखें। अगर उनको ये प्रॉफिटेबल लगती है तो इसमें और लोग इन्वेस्ट करें, अगर इसमें कुछ रिस्क लग रहे हैं या कहीं लॉस की तरफ जा रही है तो वो इससे विदड्रॉ कर जाएं। मेजरमेंट। अकाउंटिंग ओनली डील्स विद थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड क्वान्टिफाइबली, देयरफॉर एस्पेक्ट्स दैट आर क्रूशियल टू प्रॉफिट्स मे बी ओवरलुक्ड सच एज कस्टमर लॉयलिटी। तो ये होता है कि आपने बिज़नेस की जो चीज़ें हैं उनको क्वान्टिफाइबल करना होता है और मेजरेबल यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब ये कि कंपनी के इतने एसेट्स हैं और इसकी ये पोजिशन है, इतनी अमाउंट की लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी एसेट्स हैं, इतनी इक्विटी है। अगर फ़र्ज़ किया आपका एक कोई मैनेजर ऐसा होता है जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक टॉप किस्म का होता है, मतलब बहुत ब्रिलियंट है, अच्छे डिसीजन ले सकता है, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को या एक सच्चे बंदे को या उसकी ईमानदारी को या उसकी लॉयलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने जब अकाउंटिंग करनी है तो फिनेंशियल टर्म्स में मेजर करनी, क्वान्टिफाइबल, जिससे पता चले कि इसकी वर्थ डॉलर्स में या रुपीज़ में कितनी है। आपने ये नहीं बताना कि इतने लोग ईमानदार हैं या इतनी ये इसकी है, आपने क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी का जिक्र करना है, क्वांटिटी से मेजर करना है। तो इस उसूल को कहते हैं मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजर। द यूएस डॉलर इज द स्टैंडर्ड वैल्यू यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज इन द यूएस। एनी फॉरेन ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू यूएस डॉलर बेस्ड ऑन द करंट एक्सचेंज रेट। तो यूनिट्स ऑफ, एक तो मेजरेबल होनी चाहिए आपकी जो जिस यूनिट में भी आप रिपोर्ट आउट कर रहे हैं, एक दूसरे नंबर पे कि जो मेजरिंग यूनिट है वो भी एक एक ही होना चाहिए ताकि आप उसको कंसीडर कर सकें। लेट्स सपोज पाकिस्तान में है तो हम किसी भी कंपनी को कंसीडर करेंगे तो उसकी रिपोर्ट हम बताएंगे कि इसकी इतनी रुपीज़ की मालियत है, इतनी रुपीज़ के इसके एसेट्स हैं, इतनी रुपीज़ की इसकी लाइबिलिटीज़ है। हम ये नहीं करेंगे उसके पाकिस्तान में यूएस डॉलर, यूरो या कोई और बांग्लादेश का कोई टिका वगैरह जो है उसको हम कहें कि ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, बल्कि आपने जो उस मुल्क की करेंसी होगी जहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसी करेंसी में आपने शो करना होता है। हिस्टोरिकल कास्ट। हिस्टोरिकल कास्ट क्या होती है कि एक कंपनी है उसने जो सबका कास्ट की है पिछले गुज़श्ता पीरियड में जो उसने कास्ट की हुई थी, तो कितनी की हुई थी उसको कैसे कंसिडर करेंगे ये अभी पढ़ते हैं। दिस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट्स in what a business owns and owes are recorded at their original cost. This may cause the company's books to be understated. For example, a company can own a manufacturing facility that is valued at 25 million, but carry it on the books for their purchase price 7 million. तो सिंपल बात इसमें है कि फर्ज किया आपने पहले कोई एसेट खरीदा था, लेट्स सपोज आपने एक ऐसी मशीनरी ख़रीदी थी जो अमेरिका से ख़रीदी थी और 3 साल पहले ख़रीदी थी, और 3 साल पहले ख़रीदी थी उस वक्त आपको मिली थी 3 लाख की, वहाँ से 3 लाख की, और रुपीज़ में अगर बात करें तो 3 लाख की मिली थी। अब अगर पाकिस्तान में लाने की वही मशीनरी की कीमत है 20 लाख, तो आपने उस 3 लाख जितने में आपने पे आउट करके जितने आपने पैसे खर्च किए थे उसी को कंसीडर करके लेके चलना है। आपने ये नहीं करना कि अब मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई है तो आप उस हिसाब से मार्केट वैल्यू से नहीं चलेंगे, बल्कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होगी उसी को बुक वैल्यू में लेके चलेंगे। मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का हुजम, मतलब उसकी थोड़ी है, ज़्यादा है, क्या है मटेरियलिटी। अगर कोई चीज़ अहम है, ज़्यादा वैल्यू वाली है तो उसको हम मटेरियलिटी कहते हैं, अगर उसकी वर्थ इतनी नहीं है तो वो उसको इमटेरियल हम कहते हैं। पढ़ते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी अलाउज यू टू वायलेट अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इफ़ द वैल्यू इज सो टिनी दैट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट मटेरियल जजमेंट कॉल बी द अकाउंटेंट। तो बात यह है कि अगर फर्ज किया आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपके ऑर्डर्स जो हैं मिलियंस में लेन देन चलता है, तो अगर कहीं 100 रुपीज़ की कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उसको स्किप भी कर जाते हैं, तो इस पे वो ऑडिटर या जो आपको गवर्नमेंट है वो कोई इतना बड़ा आप पे कोई पेनल्टी नहीं डालेगी कि आपने ये फ्रॉड किया था, क्योंकि
हो सकता है कि एक बंदे के लिए 400 जो है या 100 जो है बड़ी चीज़ हो, लेकिन उस बिज़नेस का जहाँ पे इतना बड़ा सेटअप चल रहा है उसके लिए 100 कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इम मेटीरियल चीज़ें, इम मेटीरियल को स्किप भी कर दें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट भी हो रहा है तो उससे कुछ नहीं होता। तो वायलेशन तब आप कर सकते हैं जब कोई चीज़ इम मेटीरियल हो। मेटीरियल जो चीज़ होगी उसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है, मेटीरियल चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, ये भी अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ऑफन टाइम्स इट इज़ ओके टू गेस ड्यू टू द नेचर दैट बिजनेस आर कम्प्लेक्स, इट इज़ लीगल इफ़ द अकाउंटिंग इज़ द बेस्ट यू कैन डू, द एक्सपेक्टेड एरर वुड नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड द गेसेस आर कंसिस्टेंट फॉर ईच पीरियड। समटाइम आप अगर गैस पे जजमेंट करते हैं तो वो आप उस बिज़नेस को लिख लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको कंसिडर कर लेते हैं कुछ आपके एस्टिमेट, उसमें अगर कुछ आगे पीछे कुछ आपके डेटा हो जाता है तो वहाँ पे भी कोई आप पे बाइंडिंग नहीं है। तो आपने जब हालात ऐसे हों जिन पे आप डिटेल में सही से एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते और गैस पे चीज़ें लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ जहाँ पे गैस आप करेंगे तो आप चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो वहाँ पे गैसेस भी अलाउड होते हैं लेकिन कैलकुलेटेड गैस होने चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार जो एक आपका निज़ाम है उसी निज़ाम पे कायम कर रहना, ये कंसिस्टेंसी के मीनिंग है। ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज मस्ट यूज़ ए सिंगल मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। अब ये हो सकता है कि फर्स्ट कि आप सिंगल एंट्री बिजनेस ने अडॉप्ट किया तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलेगी, डबल एंट्री सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम पे चलेगी। लेट्स सपोज अगर कोई उसने कोई और फिनेंशियल जो गैप थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या इंटरनेशनल फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो रिकमेंड करता है उसूल, उन पे वो चल रहा है और पहले उसूल एक पिछले 5 साल में एक चल रहा था, अब एक साल में कोई और लेके आ जाए, दूसरे साल में तीसरा कोई लेके आ जाए, चौथे साल में कुछ और लेके आ जाए, इस तरह नहीं। जैसे एक बिज़नेस का रूटीन में चल रहा है जिन प्रिंसिपल पे वो फॉलो कर रही तो उनके साथ कंसिस्टेंसली उनको लेके चलेगी, मतलब उनको बार बार चेंज नहीं करेगी, स्विचिंग नहीं करेगी। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि फर्ज किया आपकी कंपनी जो ऑपरेट हो रही है वो अर्न कर रही है 5 लाख पर प्रॉफिट एक साल में, अगले साल में 7 लाख, अगले साल में 10 लाख, अगले साल में 13 लाख, अगले साल में 15 लाख, अगले साल में 18 लाख, तो मतलब हर साल में 2 से 3 लाख का इजाफा हो रहा है। तो आप जो अकाउंटेंट है उसने अगर इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनानी है तो अगले साल के उसने गैस कुछ करना है तो वो इस तरीके से गैस करेगा कि कोई चीज़ ओवर वैल्यूड ना हो बल्कि कम अज़ कम उतनी रहे, मतलब उसका गैस गलत ना हो। अगर उसका गैस इस तरीके से हो कि प्रॉफिट ज़्यादा शो हो तो गलत है, वो इतना एक काम करेगा कि जिससे प्रॉफिट ज़्यादा तो हो जाए कोई मसला नहीं लेकिन अभी वो शो कम करेगा। तो इस तरह की जो अप्रोच, मतलब जो ऐसी अप्रोच जिसमें वो डरपोक किस्म का एक बंदे का बिहेवियर होता है, मतलब ये चीज़ आपको नज़र भी आ रही है यहाँ से फ़ायदा होगा लेकिन आप उसको शो ना करो, और आपको फर्ज किया कहीं रिस्क आ रहा है कि इससे लॉस हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा, ज़्यादा चांस नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको कंसीडर करके नोट डाउन कर लो, तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म। अकाउंटेंट्स मस्ट एग्री मोर देन एन अंडरस्टेटमेंट देन एन ओवर वैल्यूएशन, दिस अकाउंटिंग गाइडलाइन स्टेट दैट इफ डाउट एग्जिस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स द अकाउंटेंट शुड चूज द रिजल्ट विद अ लेसर एसेट अमाउंट एंड और ए लेसर प्रॉफिट, यानी कि कम प्रॉफिट और ज़्यादा लॉस, ज़्यादा लॉस की ज़्यादा ज़्यादा लॉस शो करेगा और कम से कम प्रॉफिट शो करेगा, हालांकि ऐसा ना भी मुमकिन हो तो इस तरह की अप्रोच को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ये भी एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। पीरियडिसिटी इज द एक्टिविटी विद इन द स्कोप ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड that must be recorded within the time period on the financial statement. Normally the life of the business can be divided into periods of time, month, quarter or year. तो पीरियड जो होता है, मतलब आपका जो एक पीरियड है वो फर्ज किया 2017 के जुलाई से
2018 जून तक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आपकी जो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन हैं वो पीरियड टू पीरियड होने चाहिए। जिस साल में जो चीज़ वाकई होती है उसी में रिपोर्ट करें। अब ये नहीं कि एक साल में आपके रेवेन्यू ज़्यादा आ गए या अर्निंग सेल्स ज़्यादा हो गई तो आप कुछ इस साल में शो कर लें, कुछ आने वाले में शो कर लें, इस तरह आपने नहीं करना। तो जो रेलिवेंट पीरियड है उसकी इन्फॉर्मेशन उसी पीरियड में आपने शो करनी है, इसको कहते हैं पीरियडिसिटी। अच्छा जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि एक चीज़ कानूनी तौर पे आपको जो नज़र आ रही है सब्सटेंस इतना नहीं है, लेकिन जैसे आपको जो पहले दिया था मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट था, तो सब्सटेंस का मतलब है कोई चीज़ छोटी है लेकिन फॉर्म, देखें सेल आप करते हैं तो एक कंपनी है वो मिलियंस में कर रही है, मिलियंस में उसकी सेल होती है पर डे और मिलियन में उसके कॉस्ट वगैरह है, तो 500 की उसने सेल की और रिकॉर्ड नहीं किया। फार्म में तो देखें सेल किया उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन फार्म तो ये कह रही है, लेकिन सब्सटेंस के 500 है कुछ ना, उसके लिए हो सकता है कि उसको कुछ इस तरीके से काम लेके करना पड़े कि वो उसके लिए मतलब इतने खर्चे बढ़ जाएं जितने उसको 500 से फ़ायदा ना हो। तो इस तरह की चीज़ आप ना भी करें तो कोई नहीं, लेकिन अगर फर्ज किए कोई ऐसी चीज़ जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में नहीं आती लेकिन वो सब्सटेंशली बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, मतलब उसकी उसको कंसीडर करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए या कंपनी के लिए प्रॉफिट या लॉस की वजह बन सकती है। फॉर्म में वो ठीक नहीं भी तो सब्सटेंस उसका ज़्यादा है तो आपने उसको ज़रूर रिकॉर्ड करना है, भले सस्पेंस अकाउंट में डाल दें या जैसे भी है। दिस इज ए कंसेप्ट वेयर द एंटिटी इज़ अकाउंटिंग फॉर आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्सटेंस एंड इकोनॉमिक रियलिटी एंड नॉट जस्ट इट्स फॉर्म, यानी कि सिर्फ फॉर्म को कंसीडर नहीं करती बल्कि उसकी इकोनॉमिक सब्सटेंस को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, एक्रूवल बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, ये कहते हैं फर्ज किया आपने सेल्स की थी और आपने सेल जब की तो अभी तक आपको उसका कैश नहीं आया, तो आपने उनको रिकॉर्ड कर देना है। और लेट सपोज आपने कोई लेबर बुलाई थी, उनसे काम लिया था लेकिन अभी आपने उनको कैश पे नहीं किया, लेकिन लेबर ने अपनी सर्विस दे दी, तो जो दे दी उसको रिकॉर्ड करें, जो सेल आपने की भले पैसे नहीं भी मिले तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है। यानी कि कैश मिला है या पे किया है तो कोई बात नहीं, कैश मिला है या नहीं मिला सेल कर दी रिकॉर्ड करें, आपने सर्विसेज ले ली कैश पे किया है या नहीं किया उसको रिकॉर्ड कर लें। ये क्या कहते हैं, एक्रूवल बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट वगैरह बनती है, वो एक्रूवल बेसिस होती है, मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि आप उसका कैश पे आउट कर दें, लाइबिलिटीज क्लियर कर दें तब आप उसको रिकॉर्ड करें, बल्कि जो ही वो ड्यू होगी तो आपने उसको ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है। इन एक्रूवल अकाउंटिंग इफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन मेक्स मनी इन ए पीरियड देन ऑल ऑफ इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट एंड बिजनेस एक्सपेंसेस शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ऑल बिजनेसेस with inventory must use the accrual basis. The alternative for business that don't carry inventories is cash basis accounting in which transactions are recorded as they are physically received or paid out. यहाँ पे आज का लेसन हमारा ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फर्ज किया किसी चीज़ की समझ आपको नहीं भी आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।